नमस्कार एलाइट सर्विसेज जी के 12 सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के वो क्वेश्चन जिन क्वेश्चंस में आप लोगों का बहुत कम रिस्पांस था। देखिए, रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि रिवीजन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी में होता है, वरना आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला मैथड जो है हो जाता है। चलिए एक बार उन क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इन दोनों क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी कम था। क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन एसडीजी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2019। तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2019 में जो इंडिया का रैंक है वो है ऑप्शन बी 95th रैंक, काफ़ी कम रिस्पांस आपका रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 था, कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। तो कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना में स्थित है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में भी काफ़ी कम रिस्पांस आप लोगों का था। क्वेश्चन नंबर 8 था, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ स्टोर किया जाता है, तो लीवर में से स्टोर किया जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंथोफोबिया इज अ फियर ऑफ, एंथोफोबिया जो है वो फ्लार्स के फियर को कहते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में भी काफ़ी कम रिस्पांस आपका था। तो क्वेश्चन नंबर 14 था, व्हेन वाज द इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड, तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, एसएन बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की थी। और क्वेश्चन नंबर 15 में, आदि हिमानी टेंपल जो है उज्जिया में स्थित है। वैसे रिस्पांस तो अच्छा था, परंतु कुछ कम लोगों ने इसका रिप्लाई किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में भी काफ़ी लोगों ने गलत आंसर जो था वो रिप्लाई किया था। क्वेश्चन नंबर 24 था, फॉर्मर इसरो चीफ गेट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ, पूर्व इसरो प्रमुख को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, तो इन्हें फ्रांस का पुरस्कार मिला था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। मैक्सिमम लोगों ने इसमें गलत आंसर भी रिप्लाई किया था और सही आंसर भी रिप्लाई किया गया था। सो दैट्स ऑल, ये कुछ क्वेश्चन थे जिनमें आप लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी थी और रिवाइज करना जरूरी था। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑफ द फॉलोइंग्स हु वॉज नॉट मेंबर ऑफ द गदर पार्टी, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का सदस्य नहीं था। कुछ चार ऑप्शंस हैं, लाला हरदयाल ऑप्शन बी है, भक्त मुल्ला ऑप्शन सी है, सोहन सिंह माखना ऑप्शन डी है, भाई राम सिंह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी भाई राम सिंह जो है वो सही आंसर है। भाई राम सिंह जो थे वो गदर पार्टी के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच टाइम कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, किसके समय में जो था वो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो थे उस समय भारत के वायसराय थे जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ के पहले सदस्य कौन थे। कुछ चार ऑप्शन दी गई हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है जी डी बिरला। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जी डी बिरला। जी डी बिरला जो थे वो सदस्य थे हरिजन सेवक संघ के, पहले चेयरमैन जो थे ये थे हरिजन सेवक संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज टाइगर स्टेट, इंडिया के किस स्टेट को जो है वो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, बाघ के राज्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मध्य प्रदेश को जो है वो एज अ टाइगर स्टेट भी जाना जाता है। टाइगर स्टेट सुनते ही आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, प्रोजेक्ट टाइगर, कल भी आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 1973 में जो था वो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था और ये उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था 1973 में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है जल्दी कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री जो है उस सार्क की सदस्य कंट्री नहीं है। सबसे पहले तो सार्क का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, तो सार्क का जो पूरा नाम है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ का पूरा नाम आप याद रखिए और साउथ की कितनी कंट्रीज जो हैं वो मेंबर कंट्रीज हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सार्क की जो है वो टोटल 8 कंट्री जो सदस्य कंट्रीज हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी कंट्री जो है उस सदस्य कंट्री नहीं है, अगर आपको उन 8 कंट्रीज के नेम याद हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है चाइना।
तो चाइना जो है वो सार्क की मेंबर कंट्री नहीं है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा वो आठ कंट्रीज कौन कौन है जो सार्क की मेंबर्स है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये कंट्रीज जो है ये सार्क की मेंबर कंट्रीज हैं। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना जो थी वो 1985 में हुई थी। और सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो ये सार्क के बारे में आप बेसिक से याद रखें। सार्क के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार, लाइट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वच्छ भारत मिशन वॉज लॉन्च्ड इन, ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2016 और ऑप्शन डी जो है वो है 2017। तो स्वच्छ भारत मिशन जो था वो 2014 में जो था वो लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2 अक्टूबर 2014 को ये स्वच्छ भारत मिशन जो था वो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर, जो रोलिंग प्लान जो था वो किसके बाद लागू किया गया था? ऑप्शन है थर्ड फाइव ईयर प्लान, ऑप्शन बी है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, ऑप्शन सी है फोर्थ फाइव ईयर प्लान और ऑप्शन डी है सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान। फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के बाद जो था रोलिंग प्लान जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। अच्छा ये रोलिंग प्लान जो था वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1978 से लेकर 1980 तक जो था ये रोलिंग प्लान इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधीन प्लान वॉज पुट फॉरवर्ड इन 1944 बाय, 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 1944 में गांधीवादी योजना जो थी वो एस एन अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एस एन अग्रवाल, इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर नाइन है, द लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज इन द स्टेट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्थित कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमाचल, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सबसे बड़ी खारे पानी की झील ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस झील का नाम है चिल्का झील, चिल्का लेक इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन, कंचनजंगा पीक कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो कंचनजंगा पीक जो है वो स्थित है सिक्किम में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और कंचनजंगा पीक की हाइट कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 8,586 मीटर जो है इसकी हाइट है, इसकी हाइट भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रॉम वेयर द ओरिजिन ऑफ टांकरी स्क्रिप्ट, टांकरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है शारदा, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो टांकरी लिपि की उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है कि शारदा लिपि से हुई है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन, गांधी मेला कहाँ मनाया जाता है? देखिए गांधी मेला जो है, ऑप्शन ए है अम्बोया, ऑप्शन बी है डुंगरी, ऑप्शन सी है नाहन, ऑप्शन डी है पोंटा साहिब। तो गांधी मेला जो है वो मनाया जाता है अम्बोया में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जोहरी फेयर ऑफ स्टोलन इज रिलेटेड टू, स्टोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय जोहरजी मेला किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन एचएस के एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है गुरु अमर सिंह, ऑप्शन सी है गुरु नानक देव, ऑप्शन डी है गुरु अर्जन देव। तो सोलन जिले का जोहरजी मेला जो है ये गुरु नानक देव जी से संबंधित है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब यहाँ से कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जोहरजी मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो जोहरजी मेला जो है उस सोलन डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अवलोकितेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन, अवलोकितेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सोलन, ऑप्शन बी है सिरमौर, ऑप्शन सी है लाहौल स्पीति, ऑप्शन डी है चंबा। तो अवलोकितेश्वर मंदिर जो है वो स्थित है लाहौल स्पीति में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, छांब इज अ फोक डांस ऑफ, छांब किस जिले का नृत्य है? ऑप्शन ए है चंबा, ऑप्शन बी है सिरमौर, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है किन्नौर।
चाम्प फोक डांस कहाँ का है? ये क्वेश्चन कई बार रिवाइज हुआ है आपके साथ। ऑप्शन डी किन्नौर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच माउंटेन रेंज इज चोलांग पीक? चोलांग चोटी जो है वो कौन सी धार में स्थित है? ये क्वेश्चन मैंने आज ही आपके साथ डिस्कस किया था, जो आज की हिमाचल प्रदेश की जीके डिस्कस की गई थी उसमें ये डिस्कस हुआ है। तो चोलांग पीक जो है वो कहाँ पर स्थित है? चोलांग पीक जो है वो स्थित है धौलाधार पर्वत श्रृंखला में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और धौलाधार पर्वत श्रृंखला को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये आप कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिसेंडियल ग्रोथ ऑफ हिमाचल इज, हिमाचल की जो है वो डिसेंडियल ग्रोथ 2001 से लेकर 2011 तक जो है वो कितनी आंकी गई है? क्वेश्चन ए है -5.0, ऑप्शन बी है 10.19, ऑप्शन सी है 12.94, ऑप्शन डी है 16.26। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 12.94 जो है वो सही आंसर है। और कहाँ पर जो है, किस जिले की जो है वो डिसेंडियल ग्रोथ सबसे ज़्यादा आंकी गई है ये आप कमेंट कीजिए। ये मैंने आपको कमेंट करके ही, ये मैंने आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आज की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन ब्राउट अंडर फ्लावर कल्टीवेशन? ये क्वेश्चन भी आज की वीडियो में डिस्कस हुआ था, रिवाइज आपका हो रहा है। ऑप्शन ए है 331 हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 441 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 551 हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 661 हेक्टेयर। तो फ्लावर कल्टीवेशन के अंडर जो एरिया आता है वो आता है 441 हेक्टेयर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टी कल्टीवेशन के अंडर जो है वो कितना एरिया आता है ये कमेंट कीजिए, कमेंट करके जल्दी जल्दी आप इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु वाज द रूलर ऑफ बुशहर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के समय बुशहर के राजा कौन थे? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय बुशहर के जो राजा थे वो थे राजा शमशेर सिंह। और सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। शमशेर सिंह ने अंग्रेजों का साथ देने से जो था वो इनकार कर दिया था 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त इज सेलिब्रेटेड एट, जो अभी का फर्स्ट संडे था, पिछला कल जो था संडे का, वो किस रूप में मनाया गया है? ऑप्शन ए है US कोस्टल गार्ड डे, ऑप्शन बी है हिरोशिमा डे, ऑप्शन सी है फ्रेंडशिप डे, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। देखिए अगस्त जो है ये मनाया गया फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त एज अ फ्रेंडशिप डे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है, भारत को किस देश ने जो है शोले फिल्म का जो डायलॉग है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये डायलॉग, ये गाना जो है पेश करके अपनी फ्रेंडशिप की एक मिसाल दी है। तो ये गाना जो है इसराइल की तरफ से रिलीज किया गया है भारत के लिए फ्रेंडशिप डे की, दर्शाती हो कि हमारी मित्रता जो है वो बहुत अच्छी है। इसराइल नाम आप याद रखिए, शोले फिल्म का ये गाना आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। तो देखिए आज की वीडियो में मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे, टी कल्टीवेशन के अंडर कितना एरिया आता है, तो 2310 हेक्टेयर एरिया जो है वो आता है टी कल्टीवेशन के अंदर। और इससे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक जो था किसकी जो था डिसेंडियल ग्रोथ रेट थी, तो सबसे अधिक डिसेंडियल ग्रोथ रेट जो थी वो ऊना की है। धौलाधार का प्राचीन नाम क्या है? तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला का प्राचीन नाम है मौलाक पर्वत। मौलाक पर्वत नाम याद रखिए, ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला का प्राचीन नाम है। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला का नाम है मेनाक पर्वत। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, जो आपका नेक्स्ट कोई भी एग्जाम होगा, चाहे एलाइट का एग्जाम है चाहे कोई भी एग्जाम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।